नमस्कार आदाब हफ्ते के बाद उर्मिलेश के साथ के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे बीजेपी सरकार की असफलताओं की और कितनी मुश्किलात हो रही है बीजेपी सरकार को दरअसल उनको छुपाने में और उर्मिलेश हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत तो पहले तो यही कि चार साल हो गए बीजेपी चार साल चार से कुछ ज़्यादा ही साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को और उनकी असफलताओं का जो एक घड़ा है ना वो भरता ही चला जा रहा है और उसको छुपाने में उनको बहुत मुश्किल भी हो रही है तो क्या आपको लगता है कि ये जो अभी हाल फिलहाल में जो चीज़ें हो रही हैं जैसे सवर्णों का जो बंद हुआ है देश में अभी छः तारीख को इन सब चीज़ों को दरअसल जो सही मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट करने के लिए सामने लाया जा रहा है देखिए सरकार की विफलताएं वाकई अगर देखा जाए तो अंबार लगा हुआ है विफलताओं का क्योंकि इस सरकार ने उस समय की विफल सरकार को ये कहते हुए खारिज करके चुनाव में लोगों से मत वोट मांगा था कि जब हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे ठीक ही नहीं कर देंगे भारत को स्वर्णिम भारत बना देंगे विश्व गुरु के रास्ते पर भारत को ला देंगे और क्या क्या नहीं कहा था ऐसी ऐसी बातें कही थी जिनको सुनकर और जिनको याद करके आज हंसी आती है लेकिन भारत कहाँ चला गया डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा कहाँ चली गई तेल खासकर पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ चले गए नोटबंदी जीएसटी के बाद हमारी इकोनॉमी कहाँ चली गई हम उसके ब्यौरे में नहीं जाएंगे हम अक्सर इस पर बात करते रहते हैं लेकिन हमारा ये कहना है कि आर्थिक रूप से भारत प्रशासनिक रूप से भारत बहुत बेहाल हुआ है आप कश्मीर के हालात देख लीजिए आप किसी स्टेट का हाल कर देख लीजिए तो मुझे लगता है कि इस सरकार ने इसके बावजूद की विपक्ष की तरफ से नियमित प्रतिरोध संघ आंदोलन नियमित कोई जन आंदोलन नहीं शुरू नहीं हुआ जिस तरह का सक्रिय विपक्ष किसी भी डेमोक्रेसी में इतनी बुरी सरकार को चाहिए या जो जनता से किए वायदों को पूरा करने में बिल्कुल नाकाम हो ऐसी स्थिति में जिस तरह का विपक्ष चाहिए डायनेमिक रोज रोज लड़ने वाला जैसा एक जमाने में बीजेपी हुआ करती थी जो यूपीए टू में खासकर बीजेपी कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ती थी जब उसका कोई ना कोई भले ही वो लोग शहर तक सीमित थे भले ही उसमें दिखावा ज़्यादा था लेकिन मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करने और मिडिल क्लास इन दिनों सिर्फ मिडिल क्लास नहीं रह गया है उसके हाथ में टेलीविज़न चैनल्स हैं क्योंकि जितने टेलीविज़न चैनल पर काम करने वाले लोग हैं सभी मिडिल क्लास के हैं कॉरपोरेट भले ही उनको चलाता हो तो मिडिल क्लास और मध्यवर्ती और अपर कास्ट को जो ज़्यादा प्रभावित करने वाले आ, आ, मंच हैं उन सब पर एक तरह से बीजेपी ने अपना दबदबा बना लिया था लेकिन आज आज उस तरह का नहीं है फिर भी मैं समझता हूं कि जब कभी आ, कुछ प्रदर्शन होते हैं कुछ बड़े आ, आंदोलन होते हैं कुछ बड़े नेता सड़क पर निकलते हैं तो चीज़ों को सामने लाने की वो कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद जनता तबाह है इस सरकार से इसके बावजूद जनता लगातार सवाल उठा रही है आप किसानों की हालत देखिए किसानों की हालत टेलीविज़न चैनलों में नहीं आती है कभी शायद ही कोई खबर आप पढ़ती हो अखबारों में उनकी उनका जिक्र नहीं आता लेकिन आप गाँव में जाकर देखिए क्या हालत है किसानों की चाहे वो लोअर कास्ट का किसान हो मध्यवर्ती जाति का हो अपर कास्ट का हो सभी किसान बेहद तबाह हैं इनकी जो किसानों की योजनाएं हैं पूरी तरह फेल कर चुकी हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में कोई भी चालाक चतुर चालबाज सरकार यही करती है कि जनता से जनता का ध्यान उसकी समस्याओं से हटाओ और हटाने के बड़े साधन है इस समय देश का मीडिया खासकर टेलीविज़न चैनल इतने स्ट्रांग हैं लोगों के बेडरूम तक उनकी पहुंच है तो मुझे लगता है कि जो आप पूछ रही हैं इसका सवर्ण बंद से क्या रिश्ता है ये नाम उन्होंने ही दिया था जिन्होंने इसका आयोजन किया ये कोई मैं अपनी ओर से नहीं दे रहा हूँ लेकिन भारत में अपर कास्ट के लोगों ने मिलकर कभी बंद किया हो ये मेरे को याद नहीं आ रहा है अपर कास्ट के लोगों ने मिल आरक्षण के विरोध में 89 में या सॉरी 90, 91, 92 के आसपास 93 के आसपास खूब आंदोलन किए थे आंदोलन क्या था उपद्रव ज़्यादा था लेकिन इस तरह का बंद का आयोजन हमने बहुत दिनों बाद देखा लेकिन वो आप देखिए वो बंद का आयोजन कहाँ कहाँ सफल हुआ असल कहानी ये है वो हुआ मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत सफलता जो मिली राजस्थान में और बिहार में ये तीनों स्टेट में बीजेपी की सरकारें हैं बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी के भले ना हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों लेकिन सरकार में दबदबा बीजेपी का है मध्य प्रदेश में खुलेआम लोगों ने समर्थन किया वे लोग जो बीजेपी के हैं ठीक है भले ही बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार ने जो पास कराया एस सी में जो अमेंडमेंट किया जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको डिलीट किया था हम क्यों करेंगे लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हीं स्टेट में इसको ज़्यादा सघन ढंग से अभियान चलाया गया बंद का जहाँ पर वहाँ की सत्ता खतरे में है या मुश्किल में है इसके पीछे क्या असल कहानी है ये कुछ दिनों के बाद सामने आएगा दूसरी बात जो हम ये कहते हैं कि भई ये बार बार कहते हैं कि ये तो ठीक नहीं है जी आ, ये ये जो कानून है ये बड़ा ही निरंकुश है और इस कानून का दुरुपयोग बहुत होता है दुरुपयोग शब्द बहुत है इसको लेकर एस सी कानून को लेकर देखिए इस देश में इतने सारे कानून हैं जिनके दुरुपयोग का अगर आजादी के बाद से लेकर आज तक देखें तो बहुत ही काला इतिहास है वेरी ब्लैक हिस्ट्री एसमा एन जिसको हिंदी में रासुका कहते हैं आफ्पा ये जितने कानून हैं इनका भारत में मीसा मीसा एस्मा, पोटा नोटा जितने आप ले लीजिए नोटा सॉरी मैं आ, गलती से निकल गया लेकिन पोटा मकोका इतने सारे कानून हैं इतना दुरुपयोग इनका हुआ है और कभी भी किसी वर्ग ने किसी जात बिरादरी ने कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बनाकर कभी आंदोलन किया हो तो मुझे बता दें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने ही विरोध किया है चाहे वो आपसपा का हो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया है नॉर्थ ईस्ट में लेकिन कभी इन लोगों ने जो बंद इस बार आयोजित किए थे वो कह रहे हैं कि एस सी कानून का दुरुपयोग होता है तो दुरुपयोग क्या एन का नहीं होता है चंद्रशेखर रावण इसी एन में बंद है और वही सरकार जो इस तरह के बंद या वो सत्तारूढ़ दल जो इस तरह के बंद का पर्दे के पीछे से आयोजन कराती है वो बंद किए हुए हैं एक लड़के को जो अपनी जेनुइन मांग को लेकर आवाज उठा रहा था तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल झूठ है फरेब है कि एस सी कानून का दुरुपयोग हो रहा था दुरुपयोग इस देश में जिन कानूनों का होता है और बहुत ज्यादा होता है उन पर तो आप कुछ नहीं कहते आपने किसानों की बात करी तो अभी इसी महीन इसी हफ्ते जहां हमने ये सवर्णों का बंद देखा उससे पिछले दिन पाँच तारीख को हमने एक ऐतिहासिक रैली देखी दिल्ली में जहां लाखों लोग अपने किसान और मजदूर और खेती हर मजदूर वो अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर सरकार से अपने बात सुनाने के लिए आए थे लेकिन मीडिया ने उसको उतनी कवरेज नहीं दी जितनी दी जानी चाहिए थी देखिए मैंने नोट किया हुआ है आपको मैं बताऊं मैंने एक खबरें देखी किसान रैली की आपको आश्चर्य होगा कि भारत के जितने महत्वपूर्ण अखबार हैं उस दिन आ, ये रैली जो थी पाँच को थी छः तारीख का अखबार में पलट रहा था मैं एन में रहता हूँ और एन के एडिशन में दिल्ली एन के एडिशन में जितने प्रमुख अखबार आए मैं उनको कोट कर सकता हूँ कि उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया है पहले पेज पर कहीं ये खबर नहीं है प्रमुख किसी पेज पर मुझे खबर नहीं दिखी आ, लीड जो है वो अखबार की है लीड मैंने पहली खबर आपके दर्शकों के लिए बताऊं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता के मुद्दे पर जो मुकदमा चल रहा है उसका फैसला कल देगा यानी जो फैसला आने वाला है अभी फैसला आया नहीं है उसकी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया पहले पेज पे पहले पेज की पहली खबर को दे रहा है आई मीन आप कल्पना कर सकती हैं इसी तरह से दैनिक हिंदुस्तान हिंदी का बड़ा अखबार है उसने भी अपने एन संस्करण में पहले पेज पर दो चौबीस शब्दों की संक्षिप्त खबर दी है रैली की ट्वेंटी वर्ड्स ट्वेंटी वर्ड्स वनली हिंदी का बहुत बड़ा अखबार है और फिर वो नवे पेज पर फोटो के साथ खबर देता है इसी तरह से आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी का शायद इकलौता अखबार है जिसने पहले पेज पर आ, अच्छी खबर दी है ठीक ठाक खबर दी है और फिर उन्होंने दूसरे अन्य पेजेस पर भी पेज फाइव पर उन्होंने लगभग आधा पेज दिया है ज़्यादातर हिंदी के और अंग्रेजी के अखबारों ने किसान रैली की खबर को मजदूर रैली की खबर को जो बड़ी खबर है और इस तरह का जुलूस ऑर्गनाइज अनुशासित और इतनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर हाल फिलहाल बहुत कम हुए हैं लेकिन आप देखिए कि फोटोग्राफ्स जो आए हैं कि पूरा ऐसा लगता है कि पूरी सड़क लाल हो गई हो लेकिन जो भारत का मीडिया है और सबसे दुखद यह है कि जो टेलीविज़न चैनल हैं जो एक छोटी सी वारदात को लेकर अपना पूरा का, पूरा का पूरा कैमरा अपना ओवी वैन कन्नौज से लेकर के और कहां-कहां भेज देते हैं वो यहीं रहते हुए उसको लाइव कवर नहीं करते हैं ठीक से खासकर बड़े चैनलों की बात मैं कर रहा हूँ तो ये तो हाल है इससे बिल्कुल साफ़ है कि जो असल मसले उठाने वाले लोग हैं या जो बुनियादी वर्ग हैं उनकी बातों को आप बिल्कुल डाइवर्ट करो उनको तवज्जो मत दो आप आम जनता तक उनकी खबर पहुंचने मत दो ऐसे विषयों को उठाओ जो खबर नहीं है तो ये कुल मिलाकर आपने जो सवाल पूछा उसका मेरे पास तो यही जवाब है कि ये योजनाबद्ध है ताकि लोग असल मुद्दों से वाकिफ ना हो जी आ, आपने आ, बात की थी कि जिस तरीके की सरकार अभी देश में चल रही है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत सक्रिय और एक डायनामिक विपक्ष रहे तो विपक्ष आ, अभी तक तो हमने चार साल में जो देखा वो अपनी जितनी उसकी सीमा थी उन सीमाओं के अंदर शायद कुछ बातें उठाते रहा जनता के मुद्दे सरकार का विरोध करते रहे लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एक उदाहरण ये है कि आने वाली दस तारीख को एक विरोध प्रदर्शन है पूरे विपक्ष का महंग बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ तो आपको क्या लगता है कि क्या हम एक डायनामिक विपक्ष देखने वाले हैं क्या मोदी सरकार देखने वाली है अपना विरोध देखिए मेरा ये मानना है कि ये कोई आ, 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 ऐसा नहीं है कि आप ऑल ऑफ सडन कभी कुछ कर दें तो उसका बहुत गहरा असर पड़ता है मेरी निराशा जो विपक्ष से है और जो यहाँ का प्रमुख विपक्षी दल है खासकर कि वो ये है कि आप जो एक डे टू डे एक्टिविटीज़ आपकी हैं जनता से आपका जो संवाद जिस तरह का होना चाहिए जेनविन जो इश्यूज लोगों के हैं यूथ का आप बताइए इस देश में इस वक्त खासकर नोटबंदी के बाद जो बेरोज़गारी सेमी अर्बन यानी जो गैर मेरे अर्धशहरी इलाके हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र का युवा है किस बड़े तादाद में वो बेरोज़गार हुआ है वो गाँव में लौटा है छोटे कस्बों में लौटा है वहाँ से वो वापस नहीं आया है पूरी तरह बहुत मामूली आया है एक सर्वे के मुताबिक सेवेंटी सिक्सटी परसेंट के आसपास जो बेरोजगार लोग हुए हैं बेरोज नोटबंदी में वो वापस नहीं आए क्योंकि छोटे छोटे कल कारखानों में थे छोटे छोटे बिजनेसेस में थे उपक्रम जो छोटे मोटे थे उनमें काम करते थे उनके मालिकों ने बड़ी संख्या में लोगों को मजबूरी में जो वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी थी हम क्या करें हम हमारी पूरी इकॉनमी कैश पर आधारित थी और वही ख़त्म हो गया तो वो लोग लौटे नहीं हैं तो एक तबाही का आलम है पूरे के पूरे गाँव में कस्बों में उसको एड्रेस विपक्ष नहीं किया है पहली बात दूसरी बात दलितों पर आदिवासियों पर जिस तरह का अत्याचार है दलितों आदिवासियों के लिए जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ़ जिस तरह का अत्याचार है ये ठीक है कि जब बुद्धिजीवियों को जो एक्टिविस्ट हैं मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं उनके लिए आवाज़ उठाई गई और आवाज़ उठाना बिल्कुल जायज़ है हम सब लिए बहुत जरूरी है लेकिन बड़े पैमाने पर जिस तरह से पूरे देश में धरपकड़ हो रही है लोगों को तबाह किया जा रहा है लोगों को डिमोलिश किया जा रहा है उनके उनके स्ट्रक्चर्स को उनके ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह का हमला हो रहा है उसके मुतलिक उसके जवाब में उतनी सशक्त आवाज़ विपक्ष की नहीं है ये मैं ज़रूर कहूँगा ये देर आए दुरुस्त आए बहुत हालांकि मैं बंद जैसे आयोजनों को बहुत पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ मेरा ये मानना है कि जनता को सड़कों पे आकर इकट्ठा करना गोलबंद करना विपक्ष का अधिकार है और ये नियमित अगर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि सड़क सुनी नहीं होनी चाहिए जिंदा कम है जमहूरियत को आगे ले जाना है तो सड़कें सुनी ना पड़ें वरना संसद सुनी हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ज़रूरत है कि संसद से सड़क तक हर जगह आवाज़ बुलंद की जाए और केवल बंद से नहीं होगा कई बार बंद बड़ी समस्याएं भी पैदा करता है ठीक है बंद का जो कदम है विपक्ष का उसका ये लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन हमारा कहना है कि आप जब तक जनता से नियमित संवाद नहीं करोगे आप जब तक जनता के बीच में डे टू डे आपका काम नहीं बढ़ेगा तब तक समस्या बढ़ती जाएगी और ये सरकार आ, कुल मिलाकर चूँकि कारपोरेट के इतने बड़े समर्थन आ, के साथ चल रही है कि वो टेलीविजन चैनलों के जरिए चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने में या काउंटर करने में वो काफ़ी सक्षम दिखती है तो इसलिए आपको गली गली कस्बे कस्बे गांव गांव आपका प्रतिरोध खड़ा होना चाहिए डेमोक्रेसी को हम तभी बचा सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं आ, एक चीज़ है जो इस पिछले चार सालों में आ, आ, अगर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाया लेकिन जन आंदोलनों ने अपनी भूमिका निभाई है बहुत बड़े जन आंदोलन देखे हैं हमने पिछले चार सालों में जो कि लगातार पिछले बहुत सालों से चले आ रहे हैं लेकिन क्योंकि मौजूदा सरकार की नीतियाँ इतनी ख़राब हैं कि जनता एकदम बर्बाद हो रही है चाहे वो दलित आंदोलन रहे हों या किसान मजदूरों के आंदोलन हो पिछले साल भी हमने नवंबर में देखा इतना बड़ा माह पड़ा मज़दूरों का दिल्ली में हुआ तीन दिन का उसी महीने में किसान संसद लगी दिल्ली में और दलित आंदोलन तो चला आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि दो में जब अब ये सरकार इलेक्शन के कैंपेन में मोड में जा चुकी है कितना मुश्किल होगा मोदी सरकार को अपनी असफलताएं छुपाने में चाहे आप किसानों का मुद्दा उठा लीजिए बेरोजगारी उठा लीजिए महंगाई उठा लीजिए मतलब उनके पास कोई भी एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है सिवाय हवाई बातों के देखिए आपका बहुत बढ़िया सवाल है और मैं समझता हूँ कि आ, इस सरकार ने ये महसूस किया है कि वो जो कह रही थी वो नहीं कर सकी जनता के जो एस्पिरेशंस थे जो अपेक्षाएं थीं वो नहीं पूरी हो सकी बल्कि जनता और तबाह की गई है आप रफाइल डील का ही मामला देख लीजिए कोई जवाब नहीं है सरकार की तरफ से आप तेल के कीमत को देख लीजिए आप डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत देख लीजिए आप इन्वेस्टमेंट देख लीजिए आप इंडस्ट्राइजेशन की ग्रोथ देख लीजिए बहुत बुरी स्थिति है तो ऐसे में इन लोगों को ये लगता है कि सोशल लेवल पर जो चाहे दलित हों आदिवासी हों ओ बी सी हों अपर कास्ट का एक बड़ा तबका जो बदहाल है जो परेशान है ये इकट्ठा ना हो जाए और मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार में खुराफात करने की ताकत बहुत है खुराफात करने की ताकत मतलब इसके जो तमाम संगठन हैं ये बहुत विशाल परिवार है सरकार में जो लोग हैं वो बाहर हैं जो अंदर हैं पर्दे के पीछे हैं उनका बड़ा नेटवर्क है तो अपने नेटवर्क के जरिए ये ये कहते हैं कि ये जात पात में यकीन नहीं करते ये तो धर्म में यकीन करते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि इनसे ज़्यादा कास्टिस्ट शायद ही कोई हो ये ये न केवल कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं बल्कि कास्टिज़्म को भी बढ़ावा देते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ये जो सवर्णों का बंद हुआ इसके पीछे पूरी की पूरी योजना पूरा का पूरा जो माहौल आप देखिए ना मैं तो पहले भी आपसे कहा कि जहाँ जहाँ हुआ है इनकी सरकार है इनके लोग हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि अपर कास्ट का जो बदहाल तबका है जो बेरोज़गार नौजवान है अपर कास्ट के वो दलित आदिवासी और ओबीसी तबके के अपने ही जैसे लोग जो बदहाल लोग हैं उनके साथ इकट्ठा हों उनके साथ एक हों जाति की दीवारें टूटें ये बिल्कुल नहीं चाहते और मुझे लगता है कि इसके पीछे कहानी यह है कि इनको लगता है कि भारत का अपर तो कहीं नहीं जाएगा हमारे साथ ही रहेगा इसलिए इनको नाराजगी जाहिर करने दो दलित आदिवासियों के खिलाफ और इससे क्या होगा कि दलित आदिवासी के बीच में थोड़ी बहुत सिंपैथी जुटा लो फाइव भी लोग अगर मूर्ख बन जाएँ दलित आदिवासियों में और हमारे साथ आ जाएँ तो एक बहुत बड़ा गेन हम करेंगे वोट बैंक में ये इनके दिमाग में है कि दलित आदिवासी के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करो आ, अपर कास्ट का जो गुस्सा भी है वो गुस्सा टेम्पररी है क्योंकि वो वोट कहीं और नहीं जाएंगे तो ये पूरी की पूरी जो इनकी योजना है ये इसीलिए है क्योंकि इनके पास इश्यूज़ को हल करने का कोई जरिया नहीं है आप देखिए एजुकेशन का क्या हाल है आप ये देखिए हेल्थ केयर का क्या हाल है इस वक्त तबाही इस तरह की है कि गांव में कुछ भी होता है आई I मीन mean, कस्बों में कुछ भी बेहाली होती कोई पूछने नहीं जाता है आप ट्रेनों का हाल देख लीजिए ट्रेनें बीस बीस बाईस बाईस घंटे लेट चल रही हैं कोई देखने वाला नहीं है कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है कोई करेक्शन के लिए करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते हैं तो इतना बद इंतजामी जिसे कहते हैं इस समाज में बढ़ रही है कि हाहाकार की स्थिति है वह हाहाकार की स्थिति क्यों नहीं आपके सामने आती क्यों क्योंकि मीडिया उसको सामने नहीं ला रहा है मीडिया नकली सवालों को सामने ला रहा है जिस दिन बहुत बड़े घटनाक्रम देश में होते हैं वो खबर नहीं छपती लेकिन अंग्रेजी के अखबारों में आप देखेंगी पाँच पाँच छः छः पेज समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ठीक है वर्डिक्ट अच्छी है हम नहीं कह रहे हैं कि ये बुरी वर्डिक्ट है बहुत शानदार है लेकिन छः छः पेज आप छाप रहे हैं अखबारों में ऐसा लगता है कि आज़ादी की पहली लड़ाई से भी पहली लड़ाई ये थी जो आपने जीत ली तो बहुत ही आश्चर्यजनक है और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब सरकार करा रही है लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया में बड़े हिस्से मीडिया का जो है उसमें आ, बैलेंस नहीं है कि रूरल पॉपुलेशन दलित आदिवासी किसान मजदूर यूथ उनकी खबरों को कितनी प्रमुखता दी जाए ये मुझे लगता है कि एक बड़ा संकट है और यही कारण है कि मौजूदा सरकार इसका फ़ायदा उठाना चाहती है हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद